उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और मैं बर्गर X1 को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ हम बनाते हैं ग्रिल बर्गर, सैंडविचेस और रैप। आए बनाते हैं। सबसे पहले मैं बीफ ग्रिल बर्गर बनाने लगा हूँ। लेट्स देखते हैं हम ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये हम लोग इसकी एक पैटी होती है जो कि हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको तैयार किया हुआ होता है। इसमें डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। इसमें ब्लैक पेपर्स होता है, इसमें गार्लिक होता है और इसमें इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हम ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसकी बना के हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि ग्रिल पर डालें तो ये ग्रिल पर जाने के बाद अपनी तरीके से कुक हो जाए और कुक होने के दौरान ये टूटे ना ग्रिल पर। तो अब हम इसको ग्रिल पे डालने लगे हैं और इसी के ऊपर ही हम जब इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं बर्गर को तो इसी के ऊपर सॉसेज ऐड करके ताकि वो जूसी हो। आपका बर्गर जूसी होना चाहिए। बीफ क्योंकि स्पेशलिटी यही है कि वो जूसी हो तो मज़ा आता है। और इसमें सॉसेज भी हम इसी पैटी के ऊपर ही डालेंगे तभी तैयार होगा इसके ऊपर। ये मैंने पैटी अपनी ग्रिल के ऊपर डाल दी है, अब ये कुक हो रही है, देखते हैं इंशाल्लाह। जो सिग्नेचर शाइन है वो हमारा ग्रिल है। तो ग्रिल में बीफ ग्रिल हो, बीफ ग्रिल बर्गर, चिकन ग्रिल बर्गर और ग्रिल रैप, ग्रिल सैंडविच, ये हमारी स्पेशलिटी हैं जो कि जान है हमारे रेस्टोरेंट की और हमारे मेन्यू की। तो इसलिए लोग यहाँ पे हमारे पास जितने भी अभी हमें 2 मंथ्स हुए हैं आए हुए, लेकिन इन 2 मंथ्स में हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं जो हमें जो एक दफ़ा खाते हैं वो रिपीट ज़रूर होता है। ख़ुद भी आता है और अपने फैमिलीज़ के साथ भी आके हमारे पास आके इन्जॉय करता है हमारे फूड को भी और इन्वायरमेंट को भी। प्राइस को, अपनी क्वालिटी को, दोनों को मेंटेन किए हुए हैं कि हम उस प्राइस में देते हैं कि इतना अच्छा फूड, इतना हेल्दी फूड। जो हम चिकन लेते हैं वो भी 100% प्योर लेते हैं, तो इसलिए प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए लोग उसको बहुत इंजॉय करते हैं और रिपीट होते हैं, ख़ुद भी आते हैं और आगे रिकमेंड भी करते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आप वहाँ से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जो हमारा ग्रिल बर्गर है, मेरे सराउंडिंग एरिया में आप देखें, मेरे टाउन में इस प्राइस पे आपको ग्रिल बर्गर जो है ना वो कम ही मिलता है। अब मैं यहाँ पे ग्रिल चिकन मेरा बर्गर जो है वो 275 के विद फ्राइज, वो फ्राइज के साथ हैं। यानी नॉर्मली 240 रुपीज़ में लोग जिंगर देते हैं और दो ग्रिल जब मिले तो यकीनन लोग इंजॉय करते हैं। बीफ ग्रिल जो है वो 325 का है, एलेपिनो बीफ बर्गर वो 345 के विद फ्राइज। और चीज़ तो इनकी जान होती है, चीज़ के बगैर कोई भी बर्गर बन ही नहीं सकता, उसका टेस्ट उतना नहीं आता। बीफ में हम क्योंकि ये जो पैटी जब हम इसकी बना रहे होते हैं तो इसमें ब्लैक पेपर जो होता है ना वो इसकी जान होती है। यानी ब्लैक पेपर में बनता है, इसमें रेड पेपर यूज़ नहीं होता, ग्रीन चिली यूज़ होती हैं और गार्लिक पाउडर यूज़ होता है, जिंजर पाउडर यूज़ होता है और इसके अलावा इसमें हम थोड़ी सी सौंफ ऐड कर लेते हैं ताकि बारबेक्यू सॉस ऐड करते हैं। और ये सबसे खासियत जो मेरे बर्गर की बीफ बर्गर की है ना, लोग नॉर्मली खाने के बाद कहते हैं एक बीफ की एक स्मेल आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बीफ बर्गर में से उस तरह स्मेल नहीं आएगी, बल्कि लोग इंजॉय करते हैं उस फूड को। पूरे लाहौर से आते हैं और यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं बहरिया टाउन से फैमिलीज आती हैं, हालाँकि मेरे पास उस तरह इनडोर सिटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मेरा फूड अच्छा होने की वजह से वो अपनी गाड़ी में टेक अवे करें, चाहे वो बाहर चेयर पे बैठ के क्यों ना खाना चाहें वो, लेकिन वो यहाँ ज़रूर खाते हैं। बैरिया टाउन, वाबड़ा टाउन, जौहर टाउन, इवन कैंट, PF कॉलोनी, सदर, धर्मपुरा, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं जो मेरे फूड को एंजॉय करते हैं और मुझे खुशी होती है। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कस्टमर खाने के बाद थम्सअप का निशान बनाता है ना, वो मेरे लिए बहुत जो है ना हौसला अफजा होता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अच्छा फूड दे रहा हूँ और लोग इंजॉय कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ की जो क्वांटिटी थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाए तो लोग उनका राइट बनता है कि वो इस चीज़ को, और लॉयल कस्टमर वही होते हैं जो आपको बताए कि आपके फूड में आज थोड़ी सी चेंजेस थी और थोड़ी सी नहीं थी, तो इसीलिए वो लोग कस्टमर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरी सलाह करते हैं, हमारे फूड की सलाह करते हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और वेरी थैंकफुल उन कस्टमर्स का कि जो आके इस चीज़ को बताते हैं और ताकि हम उस चीज़ को ठीक कर सकें। जिन्होंने बर्गर X1 का अभी तक बर्गर टेस्ट नहीं किया, मैं उनको यही कहूँगा कि एक ट्राई ज़रूरी है, उसके बाद उनका राइट बनता है वो दोबारा फूड को एंजॉय करें या ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझको पूरा अपने अपने टेस्ट पे और अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, जो मेरा एक दफ़ा बर्गर ट्राई करते हैं वो मेरे पास दोबारा ज़रूर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
सबसे पहले ये बर्गर पैटी के ऊपर, जो पैटी का मैंने आपको बताया है रेसिपी के पैटी में, या लोग नॉर्मली शेयर नहीं करते, मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया है। पैटी के ऊपर मैंने सबसे पहले इसको ग्रिल करने के बाद इसमें मैंने बारबेक्यू सॉस डाली है। इसके बाद ये 1000 ब्लू सॉस है जो हम लोग खुद बनाते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चेंज करने के बाद ये मायोनीज में बनती हैं, लेकिन हम अपनी बनाते हैं, इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। मैंने फिर वो डाली है, इसके ऊपर मैंने चीज स्लाइस ऐड किए हैं। इसके बाद हमारी एक सॉस है पेरी पेरी सॉस, ये भी हम अपनी खुद बनाते हैं। इसको मैंने इसके ऊपर डालने के बाद अब ये पैटी के ऊपर सब चीज़ें ऐड होगी और ये ग्रिल के ऊपर ही हैं। अब मैं इसके ऊपर एलोपिनोस लगाऊंगा और ब्लैक ऑलिव्स लगाऊंगा। इसके बाद हम इसको बन में लेके जाएंगे और फाइनल में हमारा बर्गर तैयार हो जाएगा। एलोपिनो हम लगा रहे हैं इसमें, इससे ज़रा टेस्ट इसका स्पाइसी हो जाता है। साथ इसके ऊपर हम ब्लैक ऑलिव्स लगा रहे हैं, ब्लैक ऑलिव्स भी क्योंकि एक फूड का बहुत ज़रूरी जूज़ है। और इसके ऊपर फिर मैं थोड़ी सी सॉस ऐड करूंगा अपनी 1000 ब्लू। अब हम इस अपनी पैटी को थोड़ा सा, हमारी पैटी डन हो गई है, ये बन है। नॉर्मली लोग इसको ग्रिल करते हैं, ये इसी ग्रिल के ऊपर मार्किंग लेते हैं, लेकिन मैं इसको पनीनी लगाता हूँ। पनीनी में एक तो ये इसकी खुशबू जो होती है ना बन की, जो जिस डो से बना हुआ होता है उसकी स्मेल, खुशबू जो होती है ना वो बहुत अच्छी आती है, और इस तरह की मार्किंग इसके ऊपर आ जाती है। अब हम इसको लगा रखने के बाद इसके अंदर दोबारा अपनी 1000 ब्लू सॉस ऐड करेंगे। ये आइसबर्ग लगाएंगे हम इसके ऊपर। आइसबर्ग लगाने के बाद ये जो हमारी पैटी डन हुई हुई है हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, और थोड़ा सा इसको हम इसलिए कि थोड़ा सा जूसी और हो जाए ये हम इसके ऊपर लगा देंगे, और ये मेरा बीफ बर्गर रेडी है।